हमारे पास पैसा ही नहीं है मुल्क चलाने के लिए। खाने को निवाला नहीं और हसरत पाले हैं जन्नत की। जी हां, कश्मीर मसले पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर मिली करारी हार और यूएनएचआरसी में पड़ी फटकार के बावजूद पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता। हां, कश्मीर को लेकर नए नए पैंतरे जरूर आजमा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ही देख लीजिए। कश्मीर मसले पर दुनिया में बेइज्जती होने के बावजूद इन जनाब के सर से कश्मीर का भूत उतर ही नहीं रहा। एक बार फिर इमरान ने कश्मीर का राग अलापते हुए ऐलान किया है कि वो पीओके के मुजफ्फराबाद में रैली करेंगे। इमरान खान ने बुधवार सुबह ट्वीट करके कहा कि मैं भारतीय बलों की तरफ से कश्मीर की निरंतर घेराबंदी के बारे में दुनिया को एक संदेश देने के लिए शुक्रवार 13 सितंबर को मुजफ्फराबाद में एक बड़ा जलसा करने जा रहा हूँ। हम कश्मीरियों को बताएंगे कि पाकिस्तान पूरी तरह से उनके साथ खड़ा है। इससे पहले मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी, लेकिन कश्मीर मसले पर इतनी फजीहत होने के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आना चाहता। अरे जनाब, कश्मीरियों को आप क्या बताएंगे? कश्मीरी खुद जानते हैं कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। बहरहाल, इमरान खान जिस देश के सामने दो वक्त की रोटी का सवाल भी खड़ा हो, जिस देश को विदेशी निवेश के लिए निवेशकों के सामने बेली डांसर्स को नचाना पड़ जाए, जिस देश को अपने आर्थिक हालात सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के सामने हाथ फैलाने पड़ जाएं, उस देश के लिए कश्मीर के सपने देखना ना तो मुनासिब है और ना ही मुमकिन। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।